चलो सर, सबका लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया क्या? ई मुद्रा का मैंने जो लॉगिन आईडी आप लोगों को बना के दिया था, सिर्फ लॉगिन आईडी सर एक मिलेगा, मिनट, पासवर्ड आपको खुद जनरेट करना है। कैसे जनरेट करना है मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हेलो जनरेट या हेलो फॉरगेट सर, पासवर्ड पे जाना है हो जा और आपका यहाँ सर पे एक मिनट लॉगिन एक आईडी मिनट, आपको डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड में डाला था वही कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, बुलेट आ एंटर गए सर। करना है और इसको सबमिट हेलो करना सर, है। सर एक मिनट मैं सर बता रहा हूँ, तब प्लीज आप कोई भी डिस्टर्ब मत करो, आपको जो मोबाइल भी लगा। पूछना है चैट बॉक्स में डाल दो, मैं आप चैट बॉक्स से देख लूंगा या फिर मैं जब पूछूंगा तब आप उसका रिप्लाई दो, इससे क्या होता है बाकी सबको ओके डिस्टर्ब होता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉगिन आईडी आपका जो मेल पे आया है लॉगिन आईडी बनाओ, कॉन्टेक्ट नंबर जो मुझे दिया था वही कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है, आपको ओटीपी आएगा ओटीपी सबमिट करना है, पासवर्ड खुद का खुद पासवर्ड सेट करना है। जैसे आप खुद का पासवर्ड सेट कर लेंगे फिर से आपको होम पेज पे जाना है और यहाँ पे आके आपको लॉग इन करना है, आईडी और पासवर्ड डालना है, ये एग्री करो सबमिट करो लॉग इन हो जाओ। बोलिए सर क्या प्रॉब्लम है? सर कुछ पूछ रहे सर, थे हाँ मुझसे गणेश सर? बात कर रहा, हाँ गणेश गणेश बात कर सर, रहा बोलिए बोलिए सर। सर। अभी जस्ट लॉग इन हुआ वो ओके इस पे, तो मेरे को ओके प्रोसेस पता नहीं है, तो एक बार वापस हाँ नहीं रिवाइज कर। प्रोसेस अभी सर वही प्रोसेस बता रहा था, आपको एक आईडी मिला होगा आपके, देखिए चैट बॉक्स में एक आईडी है, ये यूआरएल है हाँ सर, आपके, एक चैट बॉक्स में देखो यूआरएल होगा, मिला है या फिर से शेयर करूं? सर एक यूआरएल है। यूआरएल है, ओके तो यूआरएल पे क्लिक कीजिए सर, हाँ और यूआरएल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका आईडी बना है, आपने पूरा डिटेल शेयर किया था अपने को, आपने आप लोगों ने दत्ता सर को डिटेल शेयर किया था क्या, आपका पैन सर, कार्ड नंबर वगैरह सभी डिटेल्स दत्ता नहीं नहीं शेयर नहीं किया सर ने था। आप लोगों को टेक्स्ट किया था सब डिटेल शेयर करने के लिए? नहीं नहीं सर, किया था? दत्ता सर आपने क्या हेलो सर डिटेल सर, शेयर विजय करने बोल के लिए नहीं भेजा, बोला था सबको? रहा। नहीं किया था सर, सभी को किया था। एक्चुअली हाँ अभी क्या करते हैं कि कुछ लोगों का नहीं आया है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, फिर उनका कल के नहीं नहीं सेशन में बना एक्चुअली सकते सर हैं या ऐसा आज नहीं होता, क्या होता शाम है को। एक्चुअली प्रोसेस में सर, लोग अभी मैं जो बताऊंगा वो साथ में नहीं हो पाएगा, तो सभी लोग यदि साथ में हो पाए तो प्रॉपर वे से अपना क्लास रोटेट होता है। ठीक है सर, एक काम करो सभी लोगों को मैं आईडी और पासवर्ड मेरा शेयर करता हूँ, ठीक है? हाँ तो सब लोग जिनके पास हाँ लॉगिन आईडी नहीं है मेरे लॉगिन ओके, आईडी से सब लोग लॉगिन हो जाओ। चलें। हाँ ठीक सर, मेरा भी नहीं सर, वो भी आप मुझे भेज दो ठीक है, सर। जिनका नहीं है वो लोग मेरे इस पे से हो जाओ, ठीक ठीक है? वो अनम्यूट करो सर सबको, सॉरी म्यूट करो किसी भी। चल देखो आपने सर सबको मैंने आईडी और पासवर्ड शेयर किया, तो सभी लोग लॉगिन हो जाओ और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको जो दत्ता सर ने फॉर्म भेजा है या नहीं भेजा है तो आप लोग दत्ता सर से ले लो, उसमें जो जो डिटेल्स मांगा हूँ वो डिटेल्स दत्ता सर को फॉरवर्ड कर दो। तो क्या होगा, इससे आपके नाम का आईडी तैयार होगा ई मुद्रा का, तो आप ई मुद्रा से डायरेक्ट पार्टनर बन जाएंगे, जब तक आप वो डिटेल शेयर नहीं करेंगे हम आपको ई मुद्रा से पार्टनर नहीं बना पाएंगे। तो आपका ई मुद्रा का खुद का पोर्टल होगा जहां पे आप खुद का डीएससी खुद जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे हेलो पहला सर, आपको विजय डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है सर डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ सर? बेसिक हेलो कुछ डिटेल्स है वो आपको दत्ता सर बता देंगे, यदि आप लोगों के पास उसका ठीक है, कांटेक्ट नंबर नहीं है तो मैं व्हाट्सएप चैट पे बॉक्स भेज में दिए उनका सर, कांटेक्ट सभी को नंबर भेज भेज देता दिए। हूँ, ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लो। ओके ओके, ठीक तो है। हेलो आप सर उनका एक विजय, व्हाट्सएप का नंबर है, आप उनके व्हाट्सएप के नंबर पे सभी डिटेल्स कांटेक्ट कर लीजिए, वहां पे आपको सब चीज डिटेल्स में आपको मिल जाएगा और आप लोग सभी लोग लॉगिन हो जाओ, सब डिटेल्स आप भेज दो, सभी लोगों का अकाउंट आज क्लास होने के बाद सबका मैं अकाउंट क्रिएट कर दूंगा, जैसे अकाउंट क्रिएट होगा तो आपको आपका खुद का पोर्टल होगा इस तरीके का जो अभी आप लोग मेरे आईडी से लॉगिन हो। चलिए सर क्लियर सबको, सब लोग लॉगिन हो गए,
या कोई लॉगिन नहीं सर, आपका आईडी पासवर्ड बोलो ना, हम लॉगिन नहीं हुए सर, आपका आईडी पासवर्ड बोलो ना क्या है। मैंने आईडी पासवर्ड आपको चैट बॉक्स में दे दिया है सर, चैट बॉक्स में है, देखो सर मिला क्या, फिर से भेजा मैंने, ओपनली शेयर नहीं कर सकता इसलिए बोल नहीं रहा हूं, आप लोग चैट बॉक्स देखो और वहां से ये क्रेडेंशियल है मेरा। एक्चुअली मैं ये भी नहीं देता हूं, बट आप लोग का आईडी नहीं हुआ, जब तक आईडी बनेगा नहीं आप लोग क्लास को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आईडी और पासवर्ड शेयर कर रहा हूं। मिला क्या सबको चैट बॉक्स में? यस सर। सभी लोग लॉगिन हो गए? एक मिनट सर, फिर सर लॉगिन हो रहे, एक मिनट, काय में लॉगिन करना है सर, वो ई मुद्रा में क्या है लॉगिन, काय में करना है सर वो? सर लॉगिन के लिए मैंने आपको यूआरएल भेजा है, देखो यूआरएल पे आप क्लिक कीजिए, यूआरएल मिला है आपको चैट बॉक्स में, एक मिनट, हाँ यूआरएल, ओके उसको क्लिक करना है क्या? उस पे खोलिए सर, उस पे आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी का मैसेज आएगा, आप लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, वहाँ पे नीचे कैप्चा उसको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कीजिए और लॉगिन दाइए, आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे सर। एक मिनट कर दीजिए सर। यस सर, होने के बाद आराम से, कोई अपने को घाई नहीं है। विजय सर आपका हो गया? नहीं सर, हो रहा है। आपका हुआ नहीं है? निखिल सर आपका हो गया सर, मेरा खुद का हो गया। आपका खुद का हो गया। राजेश सर आपका? राजेश सर ओके। और भोसले सर आप लगते हैं हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। भोसले सर अभी तक नहीं हुआ अभी तक। ओके चंद्रकांत सर आपका? हाँ सर हो रहा है सर। ठीक है। गणेश नायक सर? लोड हो रहा है। आप लोग होने के बाद मुझे एक बार बता दो सर, तो ताकि मैं आगे का क्लास सेशन चालू करता हूँ। ADI तो लॉगिन में देव करूँ ना। देखते हैं DSC के बारे में, ये हमारा लॉगिन का पोर्टल है जहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे DSC कैसे बनाते हैं। तो DSC बनाने के अलग अलग वे है। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो है डिजिटल सिग्नेचर के क्लास 2 का साइन प्लस इंक्रिप्शन, और इंडिविजुअल पे अलग अलग तरीके का DSC बनता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिमांड है इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल में आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इंडिविजुअल में अभी के नए रूल्स के अकॉर्डिंगली पेपर वाला बंद हो चुका। दो टाइप में DSC बनता है, एक पेपर और एक पेपरलेस। तो पेपर का सिस्टम बंद हो चुका इंडिविजुअल में, और इसका ही सबसे ज्यादा डिमांड होता है इसका इंडिविजुअल का। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पेपरलेस बनाना है। पेपरलेस के बहुत सारे फायदे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कुरियर करके भेजना नहीं होता ई मुद्रा के ऑफिस में। सेकंड, आपका अप्रूवल फास्ट हो जाता है, आपका 5 मिनट्स के अंदर आपका DSC बन के रेडी हो जाएगा। आप एक कस्टमर को विद इन 5 मिनट्स के अंदर अपना DSC आप उनको दे सकते हो, उनका DSC उनको बना के, ये एक बेनिफिट होता है। हाँ, उनको जो है प्रॉपर वे से आपको जाना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं पेपरलेस। कोई पेपर नहीं लगता, कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सिर्फ OTP डालना है और आपका DSC बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में देखते हैं सबसे पहला पेपरलेस DSC इंडिविजुअल का कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहा है पेपरलेस DSC, देखिए। अदरवाइज आप यहाँ पे पेपर में जाके, पेपरलेस DSC में जाके, यहाँ पर भी पेपरलेस DSC में क्लिक कर सकते हैं। पेपरलेस DSC, सॉरी लॉग आउट हो गया, मैं इसको फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। आप हमारे साथ देख भी सकते हैं पेपरलेस DSC, पेपरलेस DSC, यहाँ पे आपको पहले वाले पे क्लिक करना है, न्यू, और यहाँ पे आपको विजिट पेज, सबसे पहला यहाँ एक ऑप्शन है विजिट पेज, या फिर ये URL को कॉपी करके पेस्ट कर देने का है कहीं पर भी। तो हम लोग सबसे इजी प्रोसेस मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे विजिट पेज पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कर देंगे एक नया विंडो आ जाएगा, ये विंडो तो है, एक नया विंडो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहला यहाँ पे व्हाट इज पेपरलेस DSC के बारे में आप लोगों को बताया है,
ये दो तरीके से हो सकता है, एक आधार बेस्ड एक पेन बेस्ड। जिनका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, जिनका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उनका आधार बेस्ड डीएससी बनाऊं, जिनका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनका पेन बेस्ड डीएससी बनाने का। पर डीएससी पेपरलेस ही बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी दो प्रोसेस में जाते हैं, एक पेन बेस्ड एक आधार बेस्ड। तो सबसे पहला आधार बेस्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा बहुत सब मैक्सिमम लोगों का आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, तो सबसे पहला आधार बेस्ड। तो यहाँ पे आधार में देखेंगे, इसको क्लिक हेयर करेंगे आधार बेस्ड। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मुझे उसके लिए आधार का आधार के साइड से आधार उनका XML के फॉर्मेट में आधार डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक हेयर है और एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा जो आधार बेस्ड आप डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाते हो। तो यहाँ पे देखिए, आधार बेस्ड हम डीएससी बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला आधार नंबर, तो आधार नंबर में हम लोग यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास एक आधार नंबर डीएससी बनाने को पेंडिंग है, तो मैं उनका आधार नंबर डालता हूँ। दत्ता सर प्लीज खाली उनका ओटीपी देखिए। किनका है सर? ओ, आया था क्लास में, आज के ई टेंडरिंग के क्लास में था ना, आज के ई टेंडर के पहले आपने को भेजा था। देखो आपने, राजेश सर है क्या? राजेश सर का ही था क्या? नहीं, उनका राजेश सर की भी अभी बना नहीं है सर, उनके पास ऑलरेडी टोकन है, उन्होंने परचेस करके रखा है ये बात का। ओके, तो क्लास में उनको वैसे भी एक डे से बना के ही देंगे, तो उनका ही स्टार्ट करते चलेगा सर। तो फिर हम लोग एक काम करेंगे, राजेश सर का क्या करेंगे, राजेश सर का